नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने थाना प्रभारी मगनवीर सिंह गिल के नेतृत्व में गांजा तस्कर सहित दो को दबोचा, एक किलो गांजा बरामद। मुजफ्फरनगर AIT विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाया गया जागरूकता अभियान, हेलमेट पहनने के प्रति किया गया LED के माध्यम से जागरूक। सहारनपुर की मोहन चौकी के समीप अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। शामली के भैंसवाल गांव में रालोद की महापंचायत आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चयन चौधरी आज करेंगे महापंचायत को संबोधित, प्रशासनिक अमला मौके पर तैनात। मुजफ्फरनगर के चट्ठावल थाने के पीछे स्थित मकान में रहस्यमय तरीके से लगी आग, कीमती सामान और कपड़े जलकर हुए राख, आकाश से बिजली गिरने की जताई जा रही आशंका। मुजफ्फरनगर SSP अभिषेक यादव ने उप निरीक्षकों के किए तबादले, कई चौकी प्रभारी हुए इधर से उधर। रिपब्लिक भारत के चर्चित डिबेट शो पूछता है भारत के एंकर विकास शर्मा का हुआ निधन, बीमारी के चलते नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में थे भर्ती, मीडिया जगत में शोक की लहर। हरियाणा में आज भी इंटरनेट पर पाबंदी, झज्जर सोनीपत में शाम 5 बजे तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। बुलंदशहर में सिपाही को पीटने का वीडियो हुआ वायरल, शराब के नशे में अभद्रता करने पर महिला और लोगों ने पीटा, जहांगीराबाद थाने में तैनात बताया जा रहा सिपाही। बंगाल में BJP की रथ यात्रा को मिली पुलिस की इजाजत, कल JP नड्डा करेंगे शुरुआत। यूपी में 15 फरवरी को खुल सकते हैं स्कूल, प्रस्ताव को आज मिल सकती है मंजूरी। हिमाचल उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, दिल्ली में बड़ी सर्दी, तापमान में आई गिरावट। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। शामली के थाना भवन इलाके में नशेड़ी युवक ने घर में घुसकर किया हमला, एक व्यक्ति हुआ घायल, परिजनों ने नशेड़ी को पुलिस को सौंपा, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। सुप्रीम कोर्ट का BMC को आदेश, एक्टर सोनू सूद से बातचीत कर सुलझाए मसला, कोई एक्शन ना ले। भारत में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 12,408 नए मामले आए सामने, 120 लोगों की हुई मौत। शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, 51,000 के पार खुला सेंसेक्स। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4,50,000 के पार। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में फिल्म 0 किलोमीटर की शूटिंग हुई शुरू, डायरेक्टर नवाब समाज सिद्दीकी बना रहे हैं मूवी, पहले भी बना चुके हैं कई फिल्में। कल हुआ किसानों का चक्का जाम, दिल्ली पुलिस ने मुख्यालय पर बुलाई स्थिति की चर्चा को लेकर बैठक। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का था आरोप। किसानों के लिए गांव के पास बाजार बनाने की तैयारी, योगी सरकार बना रही योजना। बुलंदशहर में नमामि गंगे योजना को जल निगम लगा रहा पलीता, छोटी काशी अनूप शहर के नाले का पानी गिराया जा रहा गंगा में, अधिकारी ठेकेदार मौन,